आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है, झाबुआ में बीजेपी प्रत्याशी की मां का कर्ज माफ हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया की मां का कर्ज माफ हुआ है। भानु भूरिया की मां वर्दी भूरिया का कर्ज माफ हुआ है। 1,03,000 का कर्ज माफ किया गया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर इसका दावा किया है। झाबुआ उपचुनाव 21 अक्टूबर को है। बीजेपी के प्रत्याशी भानु भूरिया जिनका कर्ज माफ कर दिया गया है, जिनकी मां का कर्ज माफ हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया जिनकी मां वर्दी भूरिया का कर्ज माफ हुआ है। एमपी कांग्रेस ने क्या दावा किया है ट्वीट कर, वो भी आपको बता देते हैं। झाबुआ के बीजेपी प्रत्याशी की मां का भी कर्ज माफ हुआ है। झाबुआ में बीजेपी प्रत्याशी भानु भूरिया की माताजी श्रीमती वर्दी भूरिया पत्नी श्री बालू भूरिया का भी 1,03,000 से अधिक का कर्ज माफ हुआ है। शिवराज जी कर्ज माफी पर झूठ अब बंद करो, झाबुआ की जनता से माफी मांगो। ये ट्वीट एमपी कांग्रेस के द्वारा किया गया है। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान लगातार सरकार को घेरते हुए लंबे वक्त से नजर आ रहे हैं। किसान कर्ज माफी अहम मुद्दा जिससे बार बार उठाया जाता है, बीजेपी खास तौर पर इसे उठाती है। जब शिवराज सिंह चौहान दौरा करते हैं तो सरकार के ऊपर तमाम तरीके के सवाल उनके द्वारा उठाए जाते हैं। उसी को लेकर एमपी कांग्रेस ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि झाबुआ की जनता से माफी मांगो। दरअसल झाबुआ उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी की मां का कर्ज माफ होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झाबुआ में बीजेपी प्रत्याशी की मां वर्दी भूरिया का कर्ज माफ हो गया है। 1,03,000 से ज्यादा का कर्ज माफ हुआ है। इसका दावा एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर किया है। साथ ही साथ इस ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कहा गया है कि अब झाबुआ की जनता से आपको माफी मांगनी होगी। 1,03,000 से ज्यादा का कर्ज भानु भूरिया की मां वर्दी भूरिया का माफ हो गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर दावा किया है।